अभी मैं जा रही हूँ मार्केट गणेश भगवान लेने और पूजा के सामान लेने, तो अभी फिर चलते हैं। आज जब मैं मार्केट के लिए जा रही थी तो बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था, चारों तरफ क्लाउडी हुआ था। फिर मार्केट में जब पहुँची तो चारों तरफ डेकोरेशन स्टफ और मूर्तियाँ मूर्ति थी। हम लोग रेट भी पूछते पूछते जा रहे थे कि हमें भी लेना था। फिर हम लोग कोता रोड जा रहे थे, वहाँ मूर्तियाँ बनती है। हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ बहुत लोग मूर्तियाँ ले रहे थे, वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी। कुछ मूर्तियाँ अंदर भी थी तो हम लोग अंदर की ओर गए, वहाँ देखे तो कारीगर मूर्तियों को डेकोरेट कर रहा था। हाँ, काफ़ी सारी डिफरेंट वैरायटी की मूर्तियाँ थी, इनका डेकोरेशन अभी भी बचा हुआ था। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देख के तो मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर हम लोग पहुँचे नटवर स्कूल। यहाँ पूरे मैदान पे दुकानें लगाकर कारीगर अपने मूर्तियाँ बेच रहे थे। यहाँ एक ऐसा शॉप भी था जहाँ इको फ्रेंडली मूर्तियाँ मिल रही थी। हम वहाँ जब पहुँचे तो यहाँ एक मैंने मूर्ति देखी जो यहाँ गणपति बप्पा मोदक पकड़ के बैठे हुए थे, बहुत ही क्यूट दिख रहे थे। और यहाँ की सारी मूर्तियाँ बहुत क्यूट थी और बहुत एक्सपेंसिव भी थी, इसलिए यहाँ से हमने मूर्तियाँ नहीं ली। बाकी यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर दिख रही थी, मेरे को लगा यहाँ से एक मूर्तियाँ लेनी चाहिए, पर एक्सपेंसिव थी इसलिए मैंने यहाँ से मूर्तियाँ नहीं ली। फिर मैं घर आ गई और यहाँ दीदी डेकोरेशन कर रही थी, कुछ डेकोरेशन बचा हुआ था, और मैं कर रही थी रिकॉर्डिंग। यहाँ मम्मी पापा लेने गए थे मूर्ति, तो हम लोग को फाइनल डेकोरेशन करना था। लाइट गुल हो गया था तो फिर लाइट आ गया, तो फिर हमारे डेकोरेशन में जान आ गई। ये फ्लावर मैंने बहुत साल नहीं, 2-3 साल पहले ही बनाया था, मगर ये अभी भी बहुत सुंदर दिख रहा था तो इसे डेकोरेशन में हमने लगा दिया। पापा और मम्मी मूर्ति लेके घर वापस आ गए और दीदी यहाँ पापा जी का पैर धुला रही थी। फिर दीदी ने की अब मूर्ति की पूजा। पूजा हो जाने के बाद फिर हम लोग मूर्ति को घर के अंदर लेके आ गए। फिर हमने जहाँ डेकोरेट किया था वहाँ मूर्ति को बैठाया, तो वहाँ मूर्ति एकदम परफेक्ट था, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, हमारे डेकोरेशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। मैंने डेकोरेशन के समय लाइटें तो लगा दी थी पर उनका कनेक्शन करना बचा हुआ था, तो पापा यहाँ कनेक्शन कर रहे थे। कनेक्शन हो जाने के बाद हमारी लाइटिंग कुछ ऐसे दिख रही थी लाइट ऑफ करने पर, और फाइनली हमारा डेकोरेशन हो गया कम्प्लीट।